Firstly, Sana, thank you so much for accepting my proposal that you have come forward and you are like supporting your best friend which is inside the house. Job घर के अंदर है मनीषा रानी जो काफी कमाल का गेम खेल रही है. अब तक जितना भी गेम मैंने देखा है काफी कमाल का गेम उन्होंने खेल रहे. अगर आप कुछ बताना चाहोगे किस तरह का गेम आपको लग रहा है अब तक की जो सिचुएशन है मनीषा रानी की. मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ. मुझे अभी भी याद है जब मनीषा घर के अंदर बकायदा एंटर करने वाली थी, वैनिटी में थी एंड शी इज़ एक बहन हमारी एंट्री होने वाली और हम बहुत ज़्यादा नर्वस है. एंड आई वाज़ लाइक मनीषा जस्ट बी योर सेल्फ, मुझे पूरा एतबार है तुम अंदर जाओगी तुम मचाओगी बहुत आला करोगी. एंड शी इज़ ठीक है अब हमारा फ़ोन वो लेने वाले हैं तो हम तुमसे ना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तुम बस तुम्हारे भगवान के पास हमारे लिए दुआ करना. वैसे मैं पक्का करूँगी. और फिर उसके बाद से उसका मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ. बट जितना भी मैं जो भी देख रही हूँ मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आई स्वेयर वो लड़की ना जैसी वो है बाहर वो वैसे ही अंदर खेल रही है. एंड रियलिटी शो की रेयर बात पता है क्या है, रियलिटी बहुत कम दिखाते हैं लोग अपनी. पीपल आर बीइंग फेक ताकि यू नो दे वांट टू बी पीपल प्लीजर एंड ऑल ऑफ दैट. बट मनीषा इज बीइंग हर सेल्फ, जैसे कि हम कहते हैं कि बिहार की शान मनीषा रानी, शी इज डूइंग हर बेस्ट एंड आई एम सो सो हैप्पी द वे शी इज प्लेइंग. बहुत मज़ा आ रहा है देखकर. आप लोगों की दोस्ती किस तरह हुई थी, किस तरह से आप लोग मिले, क्या कुछ आपकी दोस्ती किस तरह स्टैंड होती है? सो सी पहली दफ़े हम एक क्रिकेट के लेकिन क्रिकेट का टूर्नामेंट था जहाँ पे जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं हमको इनवाइट किया गया था. तो वहाँ पे पहली दफ़े हमारी मुलाकात हुई थी. बट तब बहुत सारे लोग थे तो इतना समझ में आ गया कि ये लड़की क्यों मेरी वाइब मैच होती है. बट वो बस दो दिन का था तो इतना ज़्यादा जान पहचान नहीं हो पाई. बट जहाँ पर हमारी दोस्ती कहते ना और ज़्यादा पुख्ता हो गई वो थी आइफा अवार्ड्स, जब हम अभी इस दफ़े आइफा गए थे. और दैट टाइम देयर वर सो सो मेनी पीपल बट वो मेरे पास आई एंड शी इज़ लाइक बहन हमको ना आपकी वाइब जमती है पता है, अब हम आप ही के साथ रहेंगे. तो हम लिटरली 4 to 5 days हम साथ में थे. हमने पूरा दुबई साथ में घूमा, हम अबू धाबी गए, हम इतना मचाए मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो 5 दिन मेरी लाइफ के बेस्ट दिन थे. बिकॉज शी सच एन एंटरटेनिंग पर्सन. जब मनीषा आपके पास हो ना आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एंटरटेनमेंट का पैकेज है. बस दिन भर मुझे हंसाती रहती है एंड उसके मेरी वाइब बहुत ज़्यादा मैच हो गई. और उसको इनसिक्योरिटी नहीं है, दूसरी लड़कियों को होती है यू नो, उसको बिल्कुल भी नहीं है. शी इज़ लाइक वॉट आई हैव यू कॉन्ट टेक अवे फ्रॉम मी एंड वॉट यू हैव आई कॉन्ट टेक अवे फ्रॉम यू नो, दैट्स अ वेरी mature thing what she has. सना जब उनको बिग बॉस का कॉल आया था किस तरह आप लोगों की बातचीत हुई, कभी आपको बिग बॉस का कभी कॉल आया है? इस हवाले से बीच में मेरा इंटरेस्ट था लेकिन अभी जो मैं फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने वाली हूँ तो अभी आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं ये ऐसा कुछ कर पाऊँगी कि नहीं. मैं बहुत जल्दी वो चीज़ अनाउंस करूँगी, सोच रही हूँ आज ही कर दो. आज आप लोग आए हैं पर पहले हम मनीषा के ऊपर बात करेंगे, फिर मैं जाने के टाइम पर आपको रिवील करूँगी कि वॉट बिग इज कमिंग अप. तो आप लोगों की चर्चा हुई थी बिग बॉस को लेके, कब उन्होंने बताया कि मुझे इस बार कॉल आया क्या करूँ सना, ऐसा कुछ डिस्कशन था आप लोगों? यस नहीं क्या करूँ नहीं, शी वॉज वेरी श्योर एंड शी वॉज वेरी वेरी क्लियर कि उसको बिग बॉस करना है. मुझे उसने बताया एयरपोर्ट पर जब हम दुबई जा रहे थे एंड शी इज़ लाइक यू नो सना मैं बिग बॉस करने वाली हूँ, किसी को मत बताना क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कि अभी हम रिवील नहीं कर सकते. आई वॉज सो हैप्पी फॉर हर एंड शी इज़ एक सही डिसीजन है. आई वॉज एक मनीषा बेस्ट डिसीजन है, तुम बनी ही रियलिटी शो के लिए हो. और जैसे उसने मुझे बोला मुझे पता है वो अंदर जाके कमाल करने वाली है बिकॉज शी इज सच एन एंटरटेनिंग गर्ल. आई मीन आई एम सो हैप्पी, आई स्वेयर आई कांट tell you. So that was the first time she told me. क्या लगता है कितना real game, क्योंकि जिस तरह मनीषा रानी पहले से रही है अब तक उस तरह का ही game उन्होंने खेला है, क्या उनका ये real side है? क्योंकि हमने अब तक जिस तरह वो घर में देखा है और उनका जो reality के जितने भी interviews हो गए उसको लेके, but आप personally उनको जानते हो तो real life में भी मनीषा रानी सेम है जो घर के अंदर है? वो बहुत ज़्यादा रियल है. मैं आपको ऐसे 3 से 4 एग्जांपल दे सकती हूँ. हम विक्टोरिया सीक्रेट जो एक ब्रांड है उसके अंदर हम गए थे एक कॉस्मेटिक स्टोर के अंदर, उसका नाम है सेफोरा. अब मैंने अपनी शॉपिंग चालू कर दी, वो प्राइस टैग देख के बोलती भाई नहीं तो लुटिया लेंगे यहाँ से बाहर निकलो, चलो चलो धक्का दे दे के मुझे. मैंने कहा मनीषा ये क्या है, तो कहती नहीं बहुत महंगा है बाबा लुट जाएंगे तुम. मैं उसे यार ये क्या लड़की है. फिर उसके बाद में विक्टोरिया सीक्रेट के अंदर गए, उसके अंदर भी उसने सेम चीज़ बोली. मैं उसे यार ये लड़की कितनी ज़्यादा रियल है, मतलब
मैं ऐसे बात करूंगी, ये मेरे बात करने का लहजा, अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर सकते तो अच्छी बात है, वरना एफ ऑफ, ये उसका एटीट्यूड है। हाँ, मैं टिपिकल मिडिल क्लास हूँ, मेरे बिहारी एक्सेंट है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। ये बकायदा मैंने देखा है जब लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, यू नो, कि यार ये कैसी बात करती है, शी वॉज हर सेल्फ। और मैं उससे क्यों रिलेट कर पाई, क्योंकि मेरा लहजा उर्दू है, तो मेरे हवाले से भी लोग काफ़ी बात करते हैं कि यार ये कैसे बात करती है, उसका लहजा बिहारी है। बट आई थिंक द रीज़न वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर्स वाइब इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम जो है हम वो दिखाते हैं लोगों को। और मनीषा, ट्रस्ट मी, जितनी 100% जैसी बाहर है ना, उसने 200% अंदर दिया है अपना। मतलब वो इतना सा भी नहीं खेल रही है, एक होता है कि हम खेल रहे होते ताकि लोग हमें पसंद करें, पर उसकी खूबसूरती इसी चीज़ में है कि लोग मुझे वैसे ही पसंद करें जैसी मैं हूँ। और बनता, इंसान को बनना क्यों है, जब खुदा ने ऑलरेडी बना दिया तो कैसा बनना, ऑलरेडी बनी बनाई है, वो जैसी हो वैसी घर के अंदर खेल रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा यू नो फ़ख्र महसूस हो रहा है उसके ऊपर। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। सबसे पहले उनकी दोस्ती बीबीका से हुई, जो अब इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, बट एक समय था जो पहला हफ्ता हो गया या फिर दूसरा हफ्ता हो गया, मनीषा रानी अपना सबसे ज़्यादा समय बेबिका से, बेबिका के साथ बिताते थे, उन पर काफ़ी अच्छा ट्रस्ट था। अब कई हद तक जब एंड सीज़न आ रहा है, अब सीज़न ख़त्म होने आया है, उनकी जो दोस्ती है सबसे बड़ी दुश्मनी बन चुकी है। आप इनकी जो दोस्ती और दुश्मनी पे क्या कुछ कहना चाहोगे? सी, बेबी का इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल, मैं उसके ऊपर ओपिनियन नहीं दूंगी, बट मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, आप इंसान को और ज़्यादा जानने लगते हो। और कहीं ना कहीं मनीषा इतना अच्छा खेल रही है उसके साथ, उस इतना मतलब ब्रेवरी के साथ खेल रही है, आई थिंक प्रॉबेबली लोगों को इनसिक्योरिटी हो जाती है, उससे एक डर होता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं ये चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, दैट इफ़ यू आर द थ्रेट, यू आर द टारगेट, राइट? अगर आप थ्रेट हो ना, तो लोग आपको टारगेट करेंगे। इसलिए अगर आपने देखा तो एक गैंग ऑफ गर्ल्स बन गया है, मनीषा वर्सेस दोस्त 3-4 girls। अब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, बट मनीषा उनके ऊपर भी भारी पड़ गई, तो वो है मनीषा रानी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्लेइंग रियल। इसके अलावा मैं बात करूँ, ये तो दोस्ती की बात हो गई, अब मैं थोड़ा आता हूँ प्यार की बात है। जब जो हमारे दुबई से जो गेस्ट आए हैं, उन पे मनीषा रानी ने काफी अपना दिल ही दे बैठे, इतनी बार उनको कहा। फिर आकांक्षा पुरी भी आई थी, तब उनसे थोड़ा मनीषा ऐसा लगता था कि जो रहता ना एक स्वीट जेलसी रहती है, मनीषा की स्वीट जेलसी होती है तो हाँ, जेलसी दिख रहा था आकांक्षा पे। बट जे के साथ जो रहता है, बाबू बोलते जे को, आप अगर क्या कहना चाहोगे जे को, एज अ ब्रदर इन लॉ आपने एक्सेप्ट कर लिया बाहर से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट किया। आई थिंक वो बहुत प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, सबको दिख रहा था, और आई एम श्योर कि मनीषा ने भी उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रखा था, जो वो कह रही थी बिहार के जीजा जी नॉर्फ दैट। मैं मनीषा को अच्छे से जानती हूँ, एंड व्हेन शी सेड दैट शी वाज नॉट सीरियस, वो बस खेल रही थी और एंटरटेनमेंट कर रही थी। आई थिंक नॉर्मल बोरिंग लोगों के बीच में अगर एंटरटेनमेंट लाना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, वरना कितना बोरिंग हो जाता, आप मुझे बताओ। इमेजिन बिग बॉस OTT दिस सीजन without Manisha, I can bet my life on it, super boring hota. तो वो बस एक entertainment create करने की कोशिश कर रही थी। I don't think वहाँ पर कोई ऐसा serious वाला quotient था. No, I don't think so. कभी हम Big Boss के पलटने के बाद या फिर Big Boss के जो असली Big Boss है उसमें भी हम देखे मनीषा जैसी शहनाज गिल आई थी, काफी सारे ऐसे जो entertain किए थे। बिल्कुल। But ये सब में एक चीज कॉमन मुझे लगती है कि किसी ने भी खिताब नहीं जीता है। क्या आपको लगता है मनीषा रानी पहली ऐसी बिग बॉस OTT/बिग बॉस कंटेस्टेंट बनेगी जो एज एंटरटेन इतना एंटरटेन की और किताब वो उनके हाथ में रहेगा? मैं दिल से दुआ तो करती हूँ कि ये ही हो और मनीषा विनर बने, लेकिन जो आप कह रहे हो उस बात से मैं भी काफ़ी हद तक इत्तेफाक रखती हूँ कि जिन्होंने टाइटल जीता है वो ज़्यादातर बड़े एंटरटेनर्स नहीं हुए। बट यू नो व्हाट, मेरे लिए, इनफैक्ट सबके लिए खिताब जीतना बड़ी बात नहीं है, हमारा यहाँ पे मोटो है लोगों का दिल जीतना, राइट? खिताब जीतना एंड ऑल ऑफ दैट, हार जीत लगी रहती है। मैंने ऐसे भी विनर्स देखे जिन्होंने खिताब जो जीत लिया बट लोगों का दिल नहीं जीत पाए, इसलिए वो लाइफ में इतना आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ लोग खिताब ना जीत करके भी लोगों का दिल जीत लेते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आई डेफिनेटली थिंक दैट मनीषा रानी इज वन ऑफ दोस। जीत गई तो बहुत अच्छी बात है, हिस्ट्री एक बन जाएगी, जैसे कि आपने कहा कि पहली दफे कुछ ऐसा होगा। नहीं भी जीती तो वो ऑलरेडी हम सबकी नजर में विनर है, बिकॉज उसने डिग्निटी और ग्रेस के साथ खेला है, वो अभी भी डिग्निटी और ग्रेस के साथ खेली। एक ऐसा होता है ना कि स्टार स्टार में हर कोई अच्छा खेल लेता है, एंड होते होते लोग थक जाते हैं, अपना असली कलर दिखाना चालू करते, बट मनीषा के केस में एक बात बताओ, जो लोग उसको फेक कहते हैं कि बन रही है, एक इंसान कब तक फेक बनेगा? एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता, चार हफ्ता, यार खत्म होने आया सीजन, अब तो समझ जाओ कि वो रियल है और वो जैसी है वो वैसी है। सना, इसके बाद अगर हम बात करें घर का, जो
हुकुम का इक्का है वो है अभिषेक फुकरे इंसान, उसके बारे में उनकी गेम आपको कैसे लगती है बाहर से, अगर उनकी गेम को अगर रिव्यू? वेरी इंटेलिजेंट किस तरह लगती है? आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट्स, और उसके पास भी बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक वो लड़का बहुत स्मार्टली खेल रहा है. उसको जहाँ पर दिल यूज़ करना है वो दिल वहाँ पर यूज़ करता है, जहाँ पर उसे दिमाग यूज़ करना है वहाँ पर दिमाग यूज़ करता है. तो अगर मुझसे पूछेंगे कि ये सीजन का सबसे इंटेलिजेंट कंटेस्टेंट कौन है, नंबर वन पे मैं अभिषेक का नाम लूँगी. आई थिंक इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, विटीएस्ट, एंड हाँ उसमें विनर बनने की क्वालिटी है, जो है वो है. हुकुम का इक्की की बात हो गई, बट हुकुम का जो बादशाह होता है, जो एक इतनी बड़ी वाइल्ड कार्ड एंट्री आई, एल्विश का मैं नाम ले रहा हूँ, एल्विश का आपकी बात में बोलूँ तो एल्विश का मैं जिक्र कर रहा हूँ. हाँ जी, जिस तरह आज तक बिग बॉस के इतिहास में इस तरह का वाइल्ड कार्ड आया नहीं है. हाँ हाँ. और आज तक बिग बॉस के इतिहास में कभी वाइल्ड कार्ड जीता नहीं है, इसमें क्वालिटी दिखती है जीतने की. क्या लगता है ये जो कॉम्पिटिशन है एल्विश, मनीषा एंड अभिषेक का, ये जो तीन कंपटीशन है, इसमें कई हद तक मनीषा मुझे ऐसा पर्सनल लगता है थोड़ा सा कम है. आप अगर बताना चाहोगे ये जो तीनों का कंपटीशन? आई अग्री एक्चुअली, भी इस इक्वेशन में से मनीषा को बाहर निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा मनीषा ने दिल जीत लिया, टाइटल जीते ना जीते, आप जो दिन लोग दो लोगों की बात कर रहे हो, मुझे भी बहुत ज़्यादा हार्डकोर कंपटीशन लगता है एल्विश और अभिषेक दोनों में, क्योंकि अगर आप देखोगे कि दोनों को इक्वल पब्लिक सपोर्ट है. एंड चलो मनीषा ने तो अभी आके एंट्री की, अपना नाम अभी कमाया, ये ऑलरेडी फैंस कमा कर बैठे इस ज़माने से, इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है भाई, मनीषा के नहीं थे, वो अभी आई है, तो इसलिए मैं उसको इक्वेशन से बाहर निकालने की बात कर रही हूँ. फेयरली अगर देखा जाए एल्विश और अभिषेक के बीच में बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है. एंड येस, एज यू सेड, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जीते, बट ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि जो एल्विश की फ़ैन फॉलोइंग है, जो सब्सक्राइबर्स है, इट्स क्रेजी. और आई थिंक जब से वो बिग बॉस में एंट्री उसने लिया है, तब से टीआरपी और ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा सुनने में आया है, राइट? और आई थिंक वोटिंग्स भी, मैंने बीच में सुना था कि इतना ज़्यादा ग्लिच हो रहा है, वो साइट अटक गई है, क्योंकि इतने सारे लोग भर भर के उसको वोट कर रहे हैं. सो इट्स गॉन अ बी टफ कॉम्पिटिशन. एक साइड से देखा जाए तो थोड़ा अनफेयर भी लगता है अभिषेक और मनीषा के लिए, क्योंकि ये चारे कब से खेलते हुए आए और अभी एकदम से एक इंसान एंट्री ले लेता है और उसको ज़्यादा हाइप मिलता है. कोई प्रॉब्लम नहीं है उस टाइम, मीन ठीक है, आपने इतने कमाए, मेहनत किए, तब जाके आप इस मुकाम पर हो कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं. बट या आई कैन से कि 90% चांसेस इन दोनों में ही है. ऐसा भी लगता है कि एल्विश के आने के बाद अभिषेक की गेम में काफ़ी बदलाव आया है. अभिषेक और मनीषा को भी लोग बाहर प्यार करते हैं. Yeah. जिस तरह जोड़ी है, जे से ज्यादा प्यार करते हैं. ऑफ कोर्स, जे के साथ मैंने पहले भी बोला कि मुझे इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिखता था, वो मस्ती तक महदूद था, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं दिखा. बट यहाँ पे आई सी अ वेरी पोटेंशियल फ्रेंडशिप, एंड आई रियली नो व्हेन मनीषा इज इमोशनली अटैच्ड टू समवन, हाउ इज शी. वो जेड के साथ नहीं था, वो बस ऊपरी था, मुझे ऐसा लगता है. बट विथ अभिषेक इट्स समथिंग वेरी रियल, सो यू कैन कॉल इट अ प्योर फ्रेंडशिप. आई डोंट नो ये प्यार मोहब्बत कितना जाएगा, बट जब फ्रेंडशिप की बात करें, मुझे डेफिनेटली लगता है कि बाहर आके भी डेफिनेटली इनकी एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, सिर्फ घर तक महदूद नहीं होगी. यस, अभी हाल ही में पूजा जी और मनीषा रानी की काफी बड़ी झगड़ा हुआ था. Yeah. उसमें आपने देखा रहेगा टास्क पे. हाँ जी. आपको पूजा जी का क्या लगता है, आपको किस तरह से गेम लगता है? काफी लोग बोलते हैं एक प्रोफेसर होता है ना, ऑफ मास्टरमाइंड, मतलब स्कूल में प्रोफेसर रहते, वो कई हद तक निभाते. आप अगर कुछ बताना चाहोगे और वो झगड़े के बारे में, मनीषा और पूजा मैम के झगड़े? अब सी, मैंने ऑनेस्टली वो वाला एपिसोड पूरा नहीं देखा, बट जितना भी मुझे ऊपर से दिख रहा है, मैं इतना बोल सकती हूँ पूजा मुझे बहुत बड़ी मास्टरमाइंड लगती है, विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ओनली, देयर इज़ नो हार्म इन दैट. ये कॉम्प्लीमेंट ही है पूजा जी के लिए, एंड आई थिंक वो सबसे बड़ी भी है उम्र में घर में, राइट? तो वो मेचोरिटी दिखती है उनकी कई कई जगहों पर. एंड एक चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते, शी इज़ अ वेरी ओपिनियनेटेड वुमन. अगर उनको एक अपना ओपिनियन रखना है तो वो सोचती नहीं है बोलने से पहले, वो कहती है, वो उनका एक्सपीरियंस बोलता है, जाहिर सी बात है. सो डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियन, उसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूँगी. जहाँ तक उनके झगड़े की बात है, आई थिंक दैट वाज इन हीट ऑफ द मोमेंट, अब तक तो नहीं था. आई थिंक पूजा जी ने तो मनीषा के लिए स्टैंड भी लिया था, जब ये तीन लड़कियाँ उनके पर्सनल हाइजीन के ऊपर कॉमेंट कर रही थी, तब पूजा जी ने उनके लिए स्टैंड भी लिया था, राइट? तो ये चीज़ भी हम इग्नोर नहीं कर सकते. तो अभी जो फिलहाल हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, बट शी इज़ ऑल्सो टेकन स्टैंड वन शी रियली नीडेड टू. सो आई थिंक शी इज़ अ नाइस प्लेयर, आई ओवरऑल लाइक हर पर्सोना, शी इज़ अ मास्टर माइंड, बट शी इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्टली. यस, अब 24 घंटे की मैं बात करूँ कि एक वीडियो है जो काफ़ी वायरल हो रहा है तेजी से,
फैजान अंसारी करके एक शख्स है और डीजे डॉली करके एक शख्स है जिनने काफ़ी सारी बातें कही हैं मनीषा रानी पे, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज की है। अगर आप कुछ इस पर कहना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे, क्या आपका टेक क्या होगा इस पर? मुझे इतना पता है कि डीजे डॉली मनीषा की रूममेट थी और एक टाइम पे उनकी आला दोस्त थी, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि ठीक है, अगर आपको उनसे कोई मसले मिसाइल है या अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है, आप अभी मीडिया में आकर क्यों बोल रहे हैं जब वो बिग बॉस के घर में है? अब वो उनको जो लगता है उन्होंने आके बोला, बट मुझे बस यही लगता है कि अगर आपकी वो एक टाइम पे अच्छी दोस्त थी तो अगर उनके ऐप भी है तो आपको ऐसे पब्लिक में आके नहीं बोलने चाहिए, आपको उस वक्त की फ्रेंडशिप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अभी तो नहीं, एक पॉइंट पे तो मेरे क्लोज थी ना। बाकी आप जो कर रही है आपको पता है, आप क्यों कर रही है, ऑल द बेस्ट टू दैट, बट आई पर्सनली थिंक दैट इफ़ यू आर ट्रू फ्रेंड टू समवन, अभी नहीं हो बट पहले भी थे, तो आपको आई डोंट नो, आई डोंट थिंक ऐसे पब्लिकली आके बोलना चाहिए, बट अगर आपने बोल दिया तो फिर आई डोंट नो। क्या डीजे डॉली और मनीषा रानी अब दोस्त नहीं है या फिर कुछ ऐसा? मुझे उनका इक्वेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो उनकी रूममेट थी और मैंने भी कुछ वीडियो क्लिप्स देखे हैं जहाँ पर वो यू नो आकर मनीषा के हवाले से बोल रही थी कि मनीषा ऐसी है वैसी है, कुछ बुराइयाँ कर रही थी, तो वही मैं कह रही हूँ अगर एक टाइम पर आप उनकी दोस्त थी तो आप अभी ये सब क्यों बोल रही हैं? सना, लास्ट सवाल मेरा जो मनीषा को लेके है कि क्या लगता है आपको टॉप थ्री कौन है और विनर कौन है और मनीषा रानी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है उस घर में? जी एक अच्छी बात पता है क्या है कि इस अब तक ना मैं बहुत क्लियरली बोल देती जितने भी पिछले सीजन देखे कि यार मुझे ना गट फीलिंग है ये हो गया वो होगी, बट इस बार इतना ज़्यादा कंपटीशन है, टॉप थ्री में मैं मनीषा को डेफिनेटली देखती हूँ। अगर आप मुझसे पूछे एल्विश, अभिषेक, मनीषा, आई थिंक दीज आर द टॉप थ्री पीपल इन माई आईज। अगर आप विनर की बात करो है यार मनीषा का भी स्कोप है बट अभिषेक और एल्विश का भी है, सो आई डोंट नो वेयर, बट इन तीनों को मुझे इक्वली लग रहा है फॉर श्योर, कोई एक तो विनर है पक्की बात। कोई एक खिलाड़ी जो आपको लगता है कि ये मनीषा रानी से दूर रहना चाहिए अब से पूरे सीजन तक? नॉट रियली, दूर रहो नज़दीक रहो, आई थिंक शी कैन टैकल सिचुएशन यू नो वेरी वेल, सो जिसको दूर रहना दूर रहो, नज़दीक रहना, जिसकी विनर क्वालिटी होती है, जिसको जीतना है उसको जीतना है, आई डोंट थिंक देयर इज अ थ्रेट फॉर हर एनीवेज। सना, इसके अलावा आपकी अगर मैं बात करूँ आपके प्रोफेशनल लाइफ की, मैं बात करूँ अभी हाल ही में एक गाना आया था जहाँ हमारी मुलाकात हुई, मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया था, शुक्रिया। उस गाने का था किंचुक था आपके साथ, सावन आया, हाँ जी, तो अगर कुछ बताना चाहोगे, लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स आया है गाने को लेके, किस तरह आपकी प्रोफेशनल लाइफ चल रही है उस पर थोड़ा अमल कीजिए अच्छा नहीं वो बहुत गलत था, बट आपके जज्बात आपकी कैफियत मुझ तक पहुंच गई, सो सी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह पिछले साल 29 या 30 म्यूज़िक वीडियोज़ किए थे और अभी ऑलमोस्ट हाफ ईयर कंप्लीट हुआ है, उसमें मैंने अराउंड 10-12 म्यूज़िक वीडियोज़ किए। इट स्टार्टेड विद जैज़ी बी मिलन गाबा, फिर उसके बाद आई वेंट ऑन टू डूइंग राहत फ़तेह अली खान साहब, वो मेरे बकेट लिस्ट में था, बी प्राक किया एंड सलमान अली और जितने भी मतलब माशाल्लाह अल्तमश फरीदी जो मेरा गाना वायरल हो रहा है तेज़ी से, रूहे दारी, तो बहुत बहुत अच्छा जा रहा है मेरा प्रोफेशनल फ्रंट। लेकिन अब मैं कुछ नया भी लेकर आ रही हूँ जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है, पता है जब सिंगर्स का गाना होता है ना, लोग कहते बीप्राक का गाना, अल्तमश फरीदी का गाना, सलमान अली का गाना, राहत साहब का गाना, कोई ये नहीं कहता सना सुल्तान का गाना, तो अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग कहे सना सुल्तान का गाना। अब मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ, क्या आ रहा है क्या नहीं, इंशाल्लाह आप सबको फिर से मैं इनवाइट करूँगी, बस दुआ करिएगा कि सब कुछ अच्छा अच्छा जाए, बट आई प्रॉमिस जो नेक्स्ट आएगा वो बॉम्ब आएगा। सना, कभी आपके मन में ऐसा आता है कि बिग बॉस नहीं, खतरों ही नहीं, ये जो रियलिटी शो है काफ़ी बड़े बड़े रियलिटी शो है, छोटे छोटे भी रियलिटी शो आते हैं, जो हाल ही में एक रियलिटी शो आया था सोशल करेंसी, हाँ जी, रूही गई थी, आई नो भाविन वेरी वेल, भाविन मेरा अच्छा, इस तरह के रियलिटी शो में कितनी दिलचस्पी आप रखते हो? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई जनरली डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर अ रियलिटी शो अभी ये पॉइंट पे, क्योंकि अब जो मैंने सोचा है, जो मैं फ्यूचर में करने की सोच रही हूँ, रियलिटी शोज कैन वेट, बट जो अभी मेरे जहन में चल रहा है दैट कैन नॉट वेट।
एंड आई विश कि मैं आप लोगों को पूरी चीज बता देती, बट मैं चीज में मैं मुझे मुझे ऐसा लगेगा उस हिंट दे दीजिए, मैं इंशाल्लाह अब वो चीज आधी चीज में मुकम्मल करके आई हूँ, बाकी आधा ये मन तक हो जाना चाहिए। और मैं इसमें बहुत बिलीव रखती हूँ कि जब तक आपका काम नहीं हो जाए आपको नहीं बोलना चाहिए, पर मैंने आपको हिंट दे दिया, मैंने किसी को नहीं दिया था ये, मैंने आपको हिंट दे दिया। सो या सो ऐसा कुछ है कि सब कुछ उसके हवाले से मैं ही करने वाली, उस चीज का होल एंड सोल मैं हूँ। So I am very excited. All the best, Sana. Thank you so much. और आपके समय देने के लिए और Manisha को इतना support करने के लिए Always there for her. I think good people, good things should be appreciated. And Manisha is a diamond, हीरा है वो. और please guys, उसको भर भर कर वोट करो और बता दो लोगों को कि real लोग भी जीत सकते हैं. And I really hope and wish that Manisha wins. और नहीं भी जीती तो लोगों का दिल तो already जीत चुकी है, तो मैं उससे मैं मुतमईन हूँ. Thank you so much, Sana. शुक्रिया. Okay, bye.